हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट एंड सिंपल फ्रैक्शन। चूँकि आप लोगों को पता है कि हम फ्रैक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विवेलेंट एंड सिंपल फ्रैक्शंस। पहले हम देखेंगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास फ्रैक्शंस है, लाइक थिंक ऑफ सम फ्रैक्शंस लाइक 1/2, 2/4, 3/6, सो ऑन। ठीक है, इन टाइप ऑफ फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कैसे और क्यों, देखो इनमें एक पैटर्न है। जैसे 1/2 है, फिर 2/4 है, 3/6, क्या पैटर्न है? ये सिंपल है। लाइक अगर हमारे पास 1/2 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी 2 से, यानी न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 2 1 2 2 2 4। देखो ये यानी जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, यानी जब हमने इस फ्रैक्शन को एक पर्टिकुलर नंबर से उसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, जो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है, ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। सिमिलरली अगर फिर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, हमें मिलेगा 3 1 3 3 2 6, दैट मीन जो ये है 3/6, तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगी। ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिक के लिए भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसमें हम दो इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो ये जो है ये वाला पार्ट ये 1/2 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम इसी स्क्वायर को दोबारा से लेते हैं, सॉरी ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा एग्जैक्टली, बट कंसिडर इट एज अ स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर के हम चार इक्वल पार्ट्स करेंगे, चार छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाएंगे। अब अगर हम दो स्क्वायर्स को शेयर करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आएगा 2/4। ठीक है, क्योंकि 4 है टोटल और 2 शेडेड है। अगर हम इसे गौर से देखें तो यही डायग्राम है, इसका जो हमने हाफ है ये कवर किया है, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब सिमिलरली अगर हम इसी स्क्वायर को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर इन तीन पोर्शंस को शेड करेंगे, तो हमें मिलेगा 3/6। लेकिन गौर से देखने पर ये तीनों फ्रैक्शन जो है ये एक हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देखो, ये इस बड़े स्क्वायर के हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस बड़े स्क्वायर के हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस बड़े स्क्वायर के हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तीनों फ्रैक्शन जो है हाफ रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ऑफ द अबो represent the half, ये half represent करते हैं, देखने में ही पता चलता है। तो इस टाइप की जो fractions होती हैं उन fractions को हम कहते हैं equivalent fractions। तो अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि equivalent fractions कैसे हम derive कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी यहीं पर दिखाया, अगर हमें 1/2 की equivalent fractions देखनी है तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1/2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 1 2 2 2 4, ये हो गई इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिमिलरली आगे भी जा सकते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई ऊपर भी 3 से करेंगे, नीचे भी 3 से, हमें मिलेगा 3 1 3 3 2 6, 3/6 दूसरी। सिमिलरली 1/2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 1 4 4 2 8, तो ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। वी कैन गो ऑन एंड ऑन, ठीक है, तो ऐसे आगे चलते चलते जो है ये हमें पूरी की पूरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलती जाएंगी। सिमिलरली अगर हमें 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है तो क्या करेंगे, 1/3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 1 2 3 2 6, ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। आगे चलते हैं, 1/3 को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, ऊपर भी मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और हमें क्या मिलेगा, 3 1 3 3 3 9। वी कैन गो ऑन एंड ऑन, 1/3 को ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 4 3 12, सो तो अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होगी उसका जो है हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, एक पर्टिकुलर नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलेंगी। और मैंने आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है, एक्चुअली ये एक ही पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसको लिखा जाता है दूसरे तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा
जो हमारा एक और फ्रैक्शन है, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, या सिंपली हम कहेंगे इसको सिंपल फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा क्लियर हो गया, अब हम पढ़ेंगे सिंपल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में फिर से हम कोई फ्रैक्शन को की एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन है 2/6। अगर हम इस फ्रैक्शन को गौर से देखें तो ये देखो 2/6, इनका जो है हमें पहले देखना है कि इनका कोई कॉमन डिवाइज़र है, क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे 2 को भी डिवाइड हो जाए और 6 को भी, क्या इनमें कोई कॉमन डिवाइज़र है। हाँ है, हमारा 2 है। अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से और 6 को भी डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1/3। अब जो हमारा 1/3 है इसका कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, ठीक है, इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म किसका, एक फ्रैक्शन का। सिमिलरली हम कोई और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल 2 हमारे पास फॉर एग्जांपल है 16/12। अब इसको हम देखो इनका कोई कॉमन डिवाइजर है क्या, ये किसी टेबल में, किसी के टेबल में पढ़ते हैं, जैसे 2 के टेबल में पढ़ते हैं या 3 के टेबल में या 4 के टेबल में पढ़ते हैं। हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, 2 में देखते हैं। हाँ, 2 से 16 को भी डिवाइड होगा, 2 से 12 को भी डिवाइड होगा, ठीक है, 2/8s are 16, 2/4s are 12, ठीक है, सॉरी 2/6s are 2। अब इसको देखेंगे क्या इसमें इन दोनों का कोई कॉमन डिवाइजर है या, हाँ फिर से है कॉमन डिवाइजर, 2 से इसको भी डिवाइड होगा, 2 से इसको भी डिवाइड होगा, 2/4s are 8, 2/3s are 6। अब हम पूछे यहाँ पे, यहाँ पे 4/3 है, इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे इसको भी डिवाइड हो और इसको भी डिवाइड हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, जिससे दोनों 4 को भी और 3 को भी डिवाइड हो, तो ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए जो है ये हमारी हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह हम किसी भी और चीज़ का जो है, किसी भी और फ्रैक्शन का जो है एक क्या कहते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ढूंढ सकते हैं। लाइक हमारे पास 4/8 हो सकता है, देखो इसको भी 2 से डिवाइड होता है, 8 को भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 2/2s are 4, 2/4s are 8, फर्दर होगा इसको भी 2 से डिवाइड होगा, इसको भी 2 से डिवाइड होगा, तो एक 2/1s are 2, 2/2s are 4, 1/2, 4/8 का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म जो है 1/2 है। इसी तरह आप घर में कुछ फ्रैक्शंस को लोगे और उनका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म जो है निकालने की कोशिश करोगे। विद दिस आई एंड टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।